हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? विश करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और पेचीदा भी है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच के बारे में बताया गया। हम लोग को पता होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह उससे लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे जो वर्ड आए हैं वो फ्रेंच से ही आए हैं, ठीक ना। और फ्रेंच जो है सबसे पहले इक्वलिटी का मांग फ्रेंच में ही हुआ था। तो अब हम लोग जो है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे होता है। तो ये बहुत ही वैसे तो पेचीदा है, लेकिन मैंने दो तीन बार इसका रिवीजन करके इसको मैंने और इसका नोट्स भी बना के आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि आप लोग आधा पे छोड़ दोगे तो आधा मेरे से पढ़ोगे, आधा दूसरे से पढ़ोगे, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं ना पूरा शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ और बहुत ही ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा बता दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में होता यूँ है कि कोई लोग है, जो लोग है, मान चलो कोई लोग है, उसमें यहाँ पे बताया गया है 14 जुलाई 1789 को जो लोग था ना, वह चौंका हुआ था। क्यों चौंका हुआ था? क्योंकि अफवाह फैला हुआ था कि जो लोगों के ऊपर जो राजा है उसने ओपन फायर का आदेश दे दिया है। यहाँ पे जो द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू सिटी, सिटी में आने के लिए। अब सिटी में आया है तो कोई काम कार्य दिया गया, तो वही कार्य क्या दिया गया था जो अफवाह में बताया गया है कि जो किंग है और जो मिलिट्री है उसको क्या किया, ऑर्डर दे दिया लोगों के ऊपर फायर करने का। अब जो है वो लोग जो है, अब उसमें जो लोग है वो ओमेन ओमेन दोनों हैं, ठीक है। वो हॉल में एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अब जालिया वाला बाग थोड़ी ना है, अब लेकिन हाँ उससे रिलेटेड हो सकता है। अब जालिया वाला बाग में क्या होता है, जो लोगों के ऊपर ओपन फायर जनरल डायर दे देता है, वैसा ही यहाँ पर भी होने वाला था। लेकिन अब उसके बाद ये एक सिर्फ एक अफवाह था, ठीक ना। अब दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ। अब क्या किया जो लोग था ना, वो खुद का पीपल का सेना बनाया, खुद का पीपल का मिलिट्री है, मतलब पीपल का खुद का सेना बनाया गया। और एक जो क्या किया, जो जब वो सेना बनाया, एक ग्रुप ग्रुप बना बना कर उसने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को लूट लिया गया। मान चलो आपको कहेगा आपके घर वाले के पास में आपका कोई घर है, वो आपको कहेगा कि आपको मारने के लिए आ रहा है। अब कौन मारने के लिए आ रहा है उसका, आपको तो गुस्सा आएगा उस समय। तो लोग का भी जो गुस्सा था वो बढ़ गया था। लोग तो वैसे गुस्सा थे ही, लेकिन फिर भी और गुस्सा हो गया। अब क्या कहता है, फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टू आर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। अब जो लोग है, ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल जो है वह मार्च करने लगे, कहता है सिटी के ईस्टर्न पार्ट में। और जो एक बैस्टिल जो एक प्रिजन था, कैदी खाना था, जहाँ पे लोग जो क्या ही बोले, जो प्रिजनर जो चोरी करते हैं, कोई दंगा फसाद करते, तो उसमें उसको उसने रख दिया था। तो बैस्टिल में एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो कैदी था उसको आज़ाद कर दिया, उस पर भी अटैक करके जो कमांडर था बैस्टिल का उसको मार दिया गया, और जो कैदी थे उसको रिलीज कर दिया गया। और उसमें जो बैस्टिल में जो थे ना, मात्र 7 ही आदमी थे। तो लेकिन जो बैस्टिल जो था ना, वो सबसे हेट किया जाता था, सभी लोगों से हेट किया जाता था, मतलब उसको पसंद नहीं था किसी लोग, कोई भी लोगों को पसंद नहीं था। क्योंकि जो बैस्टिल जो था ना, वो किंग के पावर को दिखाया, उसको दिखाने के लिए ही इसको बनाया गया था, ठीक है। अब जो फोर्टलेस वार्ड, और उसका जो उसको तोड़ने के बाद जो उसका जो फ्रैगमेंट बचा ना, उसको मार्केट में बेचने के लिए लोग जो है वह चले गए। और जो उसको शो में दिखाना चाहते थे, उस शो में रखना चाहते थे, वो लोग भी इसको खरीदे। अब क्या किया, द टी डेट विस्ट फॉलो मोर। अब क्या हुआ, वो पेरिस में और कंट्री साइड में भी जो है वह राइट्स हुए, दंगा फसाद हुआ, जो लोग थे वह इसलिए, अब इसलिए मतलब यूथ राइट्स कर रहे थे क्योंकि जो प्राइस ऑफ ब्रेड था वो हाई हो गया था। अब मान चलो अभी अभी के ज़माने में हम लोग इमेजिन करते हैं, मान चलो हम लोग 10 रुपये कमाते हैं, $10 कमाते हैं, 10 पैसे कमाते, कुछ भी 10 टाका कमाते, कोई भी हम कमाते, तो उसमें से 5 जो है हम लोग खर्चा कर देते, $5, 5 रुपये, 5 कोई 5 घंटे हम लोग खर्चा कर देते हैं,
ठीक है ना। अब पांच खर्चा करने के बाद उसको हम टैक्स में दे देते हैं, कभी हम चर्च के टिथ्स में दे देते हैं, टाइल्स में दे देते हैं, कुछ कुछ में हम लोग 5 रुपया खर्चा कर देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फिर हम खुद का खाना खाएंगे, तो उसमें मान चलो उसमें भी उस लोगों को टैक्स दिया जाता था। टाइल्स टाइल्स जो कि हम लोग जो टोबैको खरीदते हैं, साल्ट खरीदते, कुछ भी खरीदते, तो उस पर भी टैक्स दिया कर देना पड़ता था हम लोगों को। और जो ब्रेड था ना उसका रेट और बढ़ गया था। और मान चलो अब हम लोगों के पास बचा सिर्फ 5 5 डॉलर, 5 रुपया कुछ भी बचा, 5 रुपया ही बचा। तो 5 रुपया बचने के बाद क्या हुआ, 5 रुपया बचा तो हम लोग उससे मान चलो 3 रुपया का ब्रेड आ गया। तो हम लोगों को फिर घर का खर्चा चलाना होगा, सिर्फ खाना थोड़ी ना खाना होगा। फिर अब अगले साल का फार्मर है तो अगले साल में काम करना होगा। बहुत सारे आदमी अपने जो घर का जो परिवार का जो खर्चा है वो नहीं पूरा बना सकते थे। और उस ऊपर से 3 रुपया था तो ऊपर से 7 रुपया कर दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिया गया। इसीलिए जो लोग हैं ना वो राइट्स करने लगे, दंगा फसाद करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे राजा के ऊपर, हम लोग को जो ब्रेड का जो प्राइस है उसको कम करना चाहिए। अब यही इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं वह जानना चाहते हैं कि इससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे कहानी में नहीं बताया जाता है कि हीरो को मार दिया गया, अब उसके पीछे क्या राज है, क्या है वो अब हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया गया, गौर से देख लीजिए, ये बास्टिल है। अब लोग जो है ये देख सकते हैं कितने लोग हैं, ये लोग जो है इसको तोड़ने के लिए गए, इसमें प्रिजनर थे, इसको तोड़ दिया गया, यही बास्टिल है। अब यहाँ पे बताया गया कुछ, देख सकते हैं, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल सून आफ्टर डेमोलिशन ऑफ बास्टिल आर्टिस्ट मेड प्रिंट। अब जो बास्टिल को ख़त्म करने के बाद लोग जो है आर्टिस्ट जो थे ना वो इसका प्रिंट बनाए और इस इवेंट का मौज लिए, मज़ा लिए। अब लोग जो थे ना वो खुश होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि अब राजा का अब स्टार्ट हो गया था। अब कह रहा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी कैसा था, कैसे कैसे ये जो रिवोल्ट है स्टार्ट हुआ है, इसे हम लोग जानेंगे। अब यही तो इम्पोर्टेंट है और यही इसी सबसे सवाल पूछने वाला है, तो गौर से देखिएगा। और वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग जो बताने वाले हैं वो पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आप कह रहा है फ्रेंच सोसाइटी जो था उसमें लुई 16 एक राजा हुआ करता था, जो कि 1774 में, ठीक ना। अब 1774 में जो लुई 16 जो कि बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, फैमिली एक डायनेस्टी, बोर्बन फैमिली कहने का मतलब उसका डायनेस्टी का नाम बताया, बोर्बन से वो डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो जो किंग जो लुई 16 बना, जब वो क्या है जो राजगद्दी है उस पर बैठा, वो भी 20 साल की उम्र में, और उसका 20 ईयर में उसका विवाह कर दिया गया था कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से। अब तुम ही सोच लो भाई, तुम बच्चे हो, तुम्हारा अभी शादी कर जाएगा, अब कोई कारण होगा तो हम लोग देखेंगे आगे। तो क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस के साथ उसका शादी कर जाएगा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या लिख सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, वह जब वो राजगद्दी पर बैठा तो उसने पाया कि जो उसका जो खजाना था वो खाली हो चुका था। अब काहे खाली हो चुका तो भी तो हम देखें काय खाली हो गया भाई। अब भाई चौंकने वाली बात तो ये यहाँ पे आ गई कि अब हुआ तो हुआ, क्या उसके साथ जो वो लोग जो है वो क्या करने लगे। तो यहाँ पे अब कह रहा मैं, जब वो वार हुआ लोग, अब भाई वार होता है भाई, वार होता है तो 1 रुपया थोड़ी ना खर्चा होता है, 2 रुपया थोड़ी ना खर्चा। वार में मिलिट्री को बनाना पड़ता है, उसको खाना अरेंज करना पड़ता है, और बहुत सारे रुपया लगता है उसको वार करने में। अब वार काहे किया भाई, क्योंकि अब जो था जो फ्रांस जो था ना वह क्या वह इनेमी था, किसका इनेमी था, अब यहाँ पे जो ब्रिटेन जो है ना, अब मान चलो तुम्हारे इनेमी है, अब कहता ना इनेमी का इनेमी फ्रेंड होता, वही बात यहाँ पे। अब इनेमी जो ब्रिटेन जो था उससे युद्ध करने गया, अब लुई 15 होगा युद्ध करने गया होगा, तो वह युद्ध करते करते उसका जो है वह उसका खजाना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, तो अंततः उसका जो फाइनेंशियल जो रिसोर्स था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब भाई अब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, तो तुम मान चलो इतना बड़ा तुम राज्य चला रहा है तो उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ मतलब होना चाहिए। हम लोग को मान चलो मिलिट्री को पैसा देना होगा हर महीने महीने। अब वर्साइल जो था
उसको भी, बैस्टिल जो था उस सबको भी बनाने में, और एक वर्साय जो प्लेस था, पैलेस था, उसको बनाने में जो एक्स्ट्रावेंटेज कोस्ट जो जो खर्चा करना पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा उसको पैसे, क्या बोल, पानी की तरह उसको पैसा बहाना पड़ता था इस पैलेस को बनाने के लिए। तो उसके लुई XVI के समय, यहाँ पे अंडर लुई XVI फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनिमी ब्रिटेन। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो लुई XVI जो है वह अपने 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद किया ब्रिटेन से बचाने के लिए। अब बात करते हैं, अब जब वो आया तो उसका जो खजाना था वो खाली था। तो जो अब वो क्या करेगा भाई, अब इतना बड़ा राजा है तो क्या करेगा वो, अब वो भी कर्जा लेगा, डेप्ट। तो जो डेप्ट लिया उसको वो धीरे धीरे भारी पड़ने लगा। वो 2 बिलियन डेप्ट तक ले, 2 बिलियन लीवर, लीवर कहने का मतलब वहाँ का प्राइस हम लोग कह सकते हैं, मनी का बात कर रहा है, करेंसी का बात करेगा, तो 2 बिलियन लीवर्स वो डेप्ट में पड़ गया, 2 बिलियन। धीरे धीरे उसका कर्जा बढ़ने लगा। अब कह रहा उसको यही मतलब खर्चा को, अब रेगुलर जो खर्चा होगा उसका रुपया कहाँ से लाएगा वो, तो वही जो रुपया था उसको लाने के लिए जो है उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ाया। कैसे कैसे खर्चे, जैसे कि हम लोग आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को चलाने के लिए, रनिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसेज को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रुपया होना चाहिए, इसलिए उसने क्या क्या टैक्स बढ़ा दिया, ठीक ना। यहाँ पे देखा, बताया भी गया 1 बिलियन लीवर जो कि पहले से था, उसके बाद बढ़ के 2 बिलियन लीवर हो गया। अब भाई, अभी जो दिया होगा उसको लेंडर्स हु स्टेट क्रेडिट, जो उसको दिया होगा वह क्या किया था, अब भाई दिया तो पैसा मांगेगा, और वो भी 10% इंटरेस्ट लेता था। 10% इंटरेस्ट कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बहुत ज़्यादा उसको अब कर्ज में ही, अब मान चलो जो अर्निंग होता है वो कर्ज में ही उसको देना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा उसको देना पड़ रहा है, तो उसको क्या करना होगा, डूबेगा ही। तो इसने उसने टैक्स को बढ़ा दिया। यहाँ पे बताया भी गया है, मैंने बताया मेंटेनिंग आर्मी कोर्ट रनिंग ऑफिशियल यूनिवर्सिटी, ये सब चलाने के लिए उसको करना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं सोसाइटी उस समय का कैसा था। अब यहाँ पे बताया गया द सोसाइटी ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ फेडरेशन दैट डेट बैक टू मिडिल एज। अब फ्रेंड सोसाइटी जो था ना उस समय वो 3 भागों में बांटा गया था, और एक यहाँ पे ओल्ड रिगिम वर्ड भी यूज किया गया जो कि फ्रांस जो 1789 से पहले जो था उसके बात किया गया, ओल्ड रिजिम का मतलब। अब जो सोसाइटी था उस समय का वह 3 भागों में बांटा गया था, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सके, अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंच सोसाइटी था जो था ना उस समय बहुत ही 3 भागों में बांटा गया था, जो कि बहुत ही बेकार था। अब 3 भागों में कौन कौन था, एक था क्लर्जी, नोबिलिटी एंड बिग बिजनेसमैन। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी शो किया गया है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर्स, सब सब आते थे, ठीक ना। तो अब क्लर्जी क्या होते हैं वो भी हम लोग जान जाते हैं। क्लर्जी जो पुरोहित हुआ करते थे, जो पूजा पाठ करवाते उसको पुरोहित कहते हैं। तो उसमें भी जो राजा के साथ रहा करते तो उसको बर्थ ऑफ राइट का भी प्रिविलेज दिया जाता, तो वो तो अलग बात है। लेकिन क्लर्जी जो बड़े बड़े जो पुजारी हुआ करते थे उसको क्लर्जी कहा जाता, वो हो गए फर्स्ट स्टेट में। नोबलिटी हो गया जो कि उस मंत्री उसके साथ रहते थे, नोबल्स लोग, वो हो गए सेकेंड स्टेट। और थर्ड स्टेट में जो बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट जो उसके आसपास में काम करते हैं, ठीक है। यही था 3 स्टेट में। अब कह रहा, अब यहाँ पे हम लोग को बताया फिगर 2 शो हाउ मेनी सिस्टम ऑफ चर्च सोसाइटी ऑर्गेनाइज 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम लोग को फिगर 2 जो हम लोग अभी पढ़े हैं और सिस्टम ऑफ स्टेट के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़े फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के बारे में बताया गया। तो ऐसे जो फ्रेंच जो सोसाइटी जो था ऑर्गेनाइज था, जो 90% जो पॉपुलेशन था ना वह पीजेंट्स से भरा हुआ था। पीजेंट्स कहने का मतलब जो काम करते खेतों में, वो जो कि बहुत ही कम आदमी जो थे वह खुद का, उसके पास खुद का लैंड हुआ करता था। अबाउट 60% जो लैंड था वह नोबल्स का होता था, मंत्री सबका,
उसके पास पैसा था, वो लोग खरीद लेते थे। अब चर्च और अदर रिचर मैन जो है थर्ड स्टेट में आते थे, नहीं 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 थर्ड स्टेट के कुछ रिचर मैन भी आते थे थर्ड स्टेट में, मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट। जो फर्स्ट टू स्टेट थे क्लर्जी एंड नोबिलिटी, वह जो था वह जन्म से उसको क्या ही बोले यार, उसको जन्म हुआ तो उसका जो डेब्ट कोई भी हम लोग उस पर जो है वह रुपया या कर्ज नहीं लगा सकते, वो जो है टैक्स फ्री है। वो जन्म लिया उसको कोई टैक्स नहीं देना, बचपन से उसको जन्म टैक्स फ्री रख दिया जाता था। अब 90% जो पॉपुलेशन था वह जो था थर्ड स्टेट का था। अब थर्ड स्टेट के जो लोग थे बहुत गरीब हुआ करते थे, उसी से बहुत ज़्यादा रुपया लिया करता था। ये तो बहुत ही बुरा बात है भाई ये। आप एक तो आप कमाते भी नहीं हो, ऊपर से पैसा भी देना पड़ता है, जो कमाता है उससे पैसा भी नहीं लेता यार। कैसा कैसा यार अन्याय था यार, मेरे को तो ये बहुत ही बुरा लगा यार। अब देखो अब बात करते हैं, मान चलो कोई फार्मर है, पीजेंट्स ज़्यादा था तो हम पीजेंट्स का ही बात करते हैं। तो पीजेंट्स अब कोई फसल जाए तब उसको जो है वह टैक्स दिया करता था। उस टिथ्स टैक्स जो पीजेंट से जो टैक्स लिया जाता था ना चर्च के द्वारा, उसको टिथ्स कहते थे। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड शेयर ऑफ टैक्स इज कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। वो लोग पीजेंट से लिया करता था, ठीक ना। अब कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स। अब कुछ डायरेक्ट टैक्स भी था जो कि लोगों को देना पड़ता था, जिसको टैक्स कहते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी थे। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लीवर बताया गया, करेंसी है जो कि हम लोग कह सकते हैं रुपया करेंसी। अब जो कि 1794 में ख़त्म कर दिया गया। क्लर्जी है, क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्ट विथ स्पेशल फंक्शन ऑफ चर्च, जो कि स्पेशल काम करता है चर्च में। अब टिथ्स जो है वह चर्च के टैक्स लिया आता था, वो है अब जो कि 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लिया करता था, मतलब 10 का एक एक हिस्सा ले लिया करता था। और टैक्स जो है वह टैक्स पेड डायरेक्टली टू स्टेट, और टैक्स जो है वह डायरेक्टली दिया जाता था। अब कह रहा है भाई इतना लूटेगा भाई तो पैसा कहाँ से बचेगा, एक हिस्सा तो वही ले लेता, चर्च वाले ही ले लेता। अब थर्ड स्टेट में जो कुछ लोग थे वह कुछ अमीर भी थे कुछ गरीब भी थे। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। अब जो फाइनेंशियल जो हम लोग जो जो रुपया हम लोगों को मिलता था, उन लोगों को जो राजा को मिलता था, वह सिर्फ जो थर्ड स्टेट से ही लिया जाता था। फॉरन जो फाइनेंशियल जितना भी रुपया होता था वह थर्ड स्टेट से लिया जाता था। और हम लोग पढ़े भी हैं प्रिविलेज जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को दिया जाता था, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और यहाँ पर एक फिगर बताया गया, ठीक ना। फिगर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फिगर में स्पाइडर एंड फ्लाई, नोबल मैन को स्पाइडर और जो आदमी है उसको फ्लाई कहा गया। एक स्पाइडर एंड फ्लाई एक शायद पोएम भी है, उसमें बताया गया स्पाइडर कितना चालाक रहता है और फ्लाई जो है वह उसमें उसके जाल में फंस जाती है। तो वहाँ पे यहाँ पे भी बताया गया स्पाइडर कहने का मतलब वो बहुत ही चालाक है, चालाकी से जो लोगों को है वह लूटता रहता है, उसको तो एक कुछ रुपया देना भी नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ बताया गया है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे द पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग ग्रेन्स फ्रूट्स लार, मतलब जो पुअर जो लोग हैं ना गरीब आदमी वो सब कुछ लाते हैं क्या नोबल मैन के लिए, ग्रेन्स फ्रूट्स मनी सलाद। जो मोटा जो आदमी जो भैंसा आदमी है ये कुत्ता क्या करता है, सारा सामान को लेने के लिए तैयार रहता है कुत्ता कहीं का। भाई लूटना है भाई, अपने खेत में जाके उपजाओ यार, क्या यार दूसरे को लूटता रहता है। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस विथ हिम, और उस वो तो देखता भी नहीं था वो कि वो कहाँ से लाया भाई गरीब आदमी। हटे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, जितना ज़्यादा इसको चाहिए जितना वो ले सके उतना ज़्यादा ये उससे लेता था यार। हटे यार इतना इतना नीचे लोग था, हटे यार। अब कह रहा द स्ट्रगल टू सर्वाइवल, इसको मैंने बहुत कम वर्ड में समझाने की कोशिश किया लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा कुछ होगा। तो पॉपुलेशन ऑफ जो था वह बहुत ही बढ़ रहा था, जो डिमांड था वह लेकिन जो डिमांड था ग्रेन्स का वो उतना ही था, मतलब जो हम लोग जो मान चलो अब 10 साल हो गए, 10 साल में पॉपुलेशन तो बढ़ेगा
जो खेत था वो थोड़ी ना बढ़ेगा, खेत तो उतना ही का उतना ही ना रहेगा, खेत नहीं बढ़। इसका क्या मतलब है कि ग्रेन्स जो हम लोग उपजाते तो वो उतना ही उपजा था, और जो पॉपुलेशन था वो बढ़ गया था। तो अब क्या सामान हम लोग को कम मिलेगा तो रेट उसका हाई होगा, सिंपल बात है। तो वही वही हुआ वहाँ पे, जो ग्रेन्स जो था वह प्रोडक्शन कम होने के कारण जो जो डाइट जो था ना, स्टेपल डाइट, जो कि जो ब्रेड था, स्टेपल डाइट ब्रेड, जो कि इसको हम लोग आप लोग लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टेपल डाइट जो कि ब्रेड था, उसका रेट जो प्राइस था वो बढ़ गया, और बहुत ही जल्दी जल्दी और बढ़ते गया, मतलब धीरे धीरे उसका रेट जो है वो बढ़ने लगा। जैसा कि अब कुछ देश में होता है कि अब उसका प्रोडक्शन कम हो गया तो उसका रेट बढ़ जाता है, वही बात यहाँ पे भी हो गया। रेट ग्रेन्स कम होने के कारण जो रेट हो गया वो बढ़ गया। अब मोस्ट जो वर्कर थे वह वर्कशॉप में काम किया करते थे, और जिसका वेजेज फिक्स था, लेकिन जैसे जैसे जो प्राइस ब्रेड बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका वेज नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो पुअर और रिच के आदमी के जो गैप जो है ना, वो बहुत ही डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब क्या करें भाई, अब एक और चीज़ हो गया उसी बीच में, एक और सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब हम लोग इसको हम पूरे अच्छे चीज़ों में समझते हैं। अब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें जो लोगों का है ना, वह जीवनचर्या, जीवन बिताने का जीवन हम लोग जीते हैं ना, वह डेजर्ट, मतलब कहने का मतलब है वह डेंजर में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। अब मान चलो, अब सबसिस्टेंस क्राइसिस में हुआ यूं कि मान चलो हम लोग जो रुपया कमाते हैं, हम कुछ कारण से हम लोग उसको छोड़ देते हैं, जो हम लोग नौकरी करते हैं वो छूट गया हम लोगों से। तो और कुछ ऐसे भी चीज़ हुआ करते थे, जैसे कि कुछ मान चलो हम लोग फार्मर हैं, तो उसके लिए सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होगा, तो बैड हार्वेस्ट होने के कारण उसका फसल बर्बाद हो जाता है, तो इससे भी सबसिस्टेंस क्राइसिस हो सकता है। अब मान चलो अब हम लोग फार्मर हैं, फार्मर अब लोग कुछ ऐसा बाढ़ आ गया या कह सकते हैं ड्राउट आ गया, तो उससे हमारा जो है फसल है वो बर्बाद हो गया। लेकिन जो राजा था ना, जो राजा हो गया या जो पैसे लेने वाला हो गया, मनी लेंडर, वो तो ये नहीं जानेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, उसको तो बस पैसे से मतलब है। तो ऐसा हुआ करते थे, ऐसे टाइम को ना सबसिस्टेंस क्राइसिस कह सकते हैं, क्योंकि फार्मर जो है वो बहुत ही खतरे में पड़ जाता था कि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा ऐसे ऐसे काम होने के बाद, ठीक ना। तो अब क्या है, समथिंग डैट अपीयर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेगिम, मतलब 1789 से पहले ऐसे बहुत बहुत बार हो चुका था, मेनी टाइम्स, यहाँ पे भी बताया भी गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस इन एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लिवलीहुड इन डेंजर। एनोनिमस कहने का मतलब है वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, मतलब जिसका नाम जो है वह अनजान ही रहता है, ठीक ना। अब कैसा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मान चलो यहाँ पे बताया बैड हार्वेस्ट हुआ, अब उससे क्या होगा, फसल कम उपजेगा, फसल कम उपजेगा तो क्या लोगों का खाना जो है खाना कम खा पाएंगे, और खाना मतलब अब वो उसको सेल कम कर पाएंगे। अब सेल कम करने का क्या मतलब, अब सेल नहीं कर पाएंगे तो क्या, तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो खरीदेंगे कहाँ से, अब पैसा नहीं रहेगा खरीदने के बाद वो खाएंगे क्या, खाने के बाद फिर वो, अब मान चलो खाना नहीं खाएंगे तो उस अब उसमें डिजीज फैलेगा, डिजीज फैलेगा तो क्या होगा, मान चलो कोरोना भी वायरस है, कोरोना वायरस मान चलो अभी फैल रहा है, तो उससे क्या होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश बर्बाद होने के बाद क्या होगा, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी कोरोना वायरस पूरा देश को बर्बाद किए हुआ है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही उस समय का था। तो एक छोटे से गलती से बहुत बड़ा गलती हो सकता है, ट्राई करो कि गलती ना करें, लेकिन गलती से कुछ सीख जरूर लो, गलती करते हो तो कुछ सीख लो, ठीक ना। अब बात करते हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेज एंड इन टू प्रिविलेज, इसको मैंने बुक से नहीं अपने नोट्स से पढ़ाने का टारगेट किया है, ठीक ना। इसको मैंने ना शॉर्ट फॉर्म में बताने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ, अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने जो टॉपिक जो अच्छा लगा मेरे को, मैंने जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, लोग पढ़ सकते हैं। अब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो कि रिचर सेक्शन के थोड़े लोग थे, वो लोग क्या किए, एडुकेट हुए। अब कैसे एडुकेट हुए, वो लोग पैसा कमाते थे, उसके जो पेरेंट्स होंगे वह यहाँ पे बताया भी क्या बीच में, आप लोग पढ़ सकते हैं, शीट ट्रेड करते थे, और वो लोग जो एडुकेट हुए ना,
एजुकेट होने के बाद उसके पास पैसा आ गया, तो उसके जो है वह एजुकेशन लेने के बाद वो अब जानने लगे कि प्रिविलेज देना ये गलत बात है, या बर्थ से प्रिविलेज ऐसा नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो सबको इक्वल देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो लोग जो थे जो ट्रेड करते थे, जहाँ से पैसा उसको मिलता था मैन्युफैक्चरिंग गुड गुड्स को, मतलब कोई भी सामान को है बना के, वुडन या लकड़ी का कोई सामान बना के या सिल्क का टेक्सटाइल बना के वो इसको बेच देते थे, और कुछ पैसा कमा के अपने जो चिल्ड्रंस को अपने पढ़ाया करते थे, और लॉयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम करवा के और भी कुछ आदमी हैं जो कि पैसा कमाते थे। तो जो एजुकेटेड मेंबर्स थे वो लोग ये सोचते थे कि लोगों को ना फर्स्ट स्टेट के लोगों को, सेकेंड स्टेट के लोगों को प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं देना चाहिए, जन्म से उसको टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। अब ऐसा हुआ कि जो आइडिया जो था ना वो सोसाइटी के बहुत आदमियों को पता चला, अब उसको ये भी उसको लगने लगा कि फ्रीडम जो है वह सभी को मिलना चाहिए, और सबको इक्वल लॉ होना चाहिए, इक्वल लॉ देना चाहिए। एंड अब यही अपॉर्चुनिटी सबको मिला रिवॉल्ट का। अब उसको पता चलने लगा धीरे धीरे, जो एडुकेटेड मेंबर्स थे उसको पता चलने लगा कि कैसे जो लोग हैं, जो किंग है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को प्रिविलेज देता है लेकिन हम लोग को नहीं देता। इसी अब इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो फिलोसफर जो थे ना, एक दो फिलोसफर उस समय आए थे, जॉन लॉकी एंड जिन जैक रूसो। तो उसने क्या किया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में एक बुक है ना, आप देख सकते हैं, इसमें जो लॉकी है जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मोनार्क कैसा होना चाहिए उसके बारे में उस टू ट्रीटीज ऑफ बुक में बताया गया है। अब जो फिलोसोफर जो जिन जैक रूसी और लॉकी थे, वो लोग क्या किए, वो लोग जो एडुकेटेड थे वह ये इस पे विश्वास करते थे कि कोई भी ग्रुप के कोई भी सोसाइटी को जो प्रिविलेज बाय बर्थ दिया जाता है वो नहीं दिया जाना चाहिए, और कोई भी पर्सन के सोसाइटी का पोजीशन जो है वह उसके हिसाब से जो कितना पढ़ा लिखा है उसके अनुसार होना चाहिए। ये जो फिलोसोफर लॉकी ने इसके बारे में बताया, जो कि इंग्लिश फिलोसोफर था और एक रूसो भी था, अब फ्रेंच फिलोसोफर ये दोनों थे। अब अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो 13 कॉन्स्टिट्यूशन को जो राजा था लुई XVI उसने आज़ाद किया था, उसमें क्या हुआ, 13 कॉलोनीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वह गारंटी दिया लोगों को, उसको अधिकार का गारंटी, गारंटी यहाँ पे देख सकते, गारंटी दिया उसको, जो कि बहुत ही वहीं से लोग जो फिलोसफर हैं वो आइडिया लाया, और उस लोगों ने क्या किया, अब इसी आइडिया को क्या किया, लोगों ने फैलाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते, द आइडिया ऑफ फिलोसफर वे डिस्कर्ट इन सैलून कॉफ़ी भाव से, मतलब सब तरफ फैलाने लगा, कॉफ़ी शॉप, क्या 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 चीज़ में फैलाने लगा, क्या क्या थ्रू बुक्स न्यूज़पेपर। अब लगातार जो है जिसको अब पढ़ने भी नहीं आता ना उसको बात तो समझने आएगा ना, तो उसको भी उसको बताने लगा, लोग जो है वो डिस्कस करने लगा इसके बारे में, लोग प्रिविलेज पर बर्थ नहीं देना चाहिए, टैक्स को नहीं बढ़ाना चाहिए। और उसी समय एक और घटना हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द न्यूज़ डैट लुई XVI प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्स टू एबल टू मीट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट जनरेटेड। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, लुई XVI जो है वह क्या किया, लोगों को पता चल गया कि जो टैक्स जो है वो बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो स्टेट का जो एक्सपेंस जो खर्चा है वह बढ़ गया है। अब जो लोग जो गुस्से से थे वो और गुस्सा हो गया, भाई अब 10 रुपया कमाता है, 5 रुपया टाइल्स में देता है, फिर 10% का 1% दे देता है चर्च को, मतलब 6% उसका, 60% उसका ख़त्म हो गया, फिर अब उसमें भी उसको छोटे छोटे टैक्स देने पड़ते हैं, टोबैको पे क्या ही बोले यार, नमक पे भी देना पड़ता है यार, क्या 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 हो क्या रहा है यार, सब कुछ वही लूटता जा रहा है यार। तो अब गुस्सा से लोग जो है ना, एक तो ब्रेड का प्राइस हाई था, ऊपर से और जो टैक्स बढ़ाने वाले थे ना, और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग पे, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को लोगों को प्रिविलेज देता था, ये इससे ना लोग बहुत ही गुस्सा हो गए। अब जो लोग गुस्सा थे और गुस्सा हो गए, एंगर हो गए और एंगर। अब क्या क्या सोर्स ए, एक बताया गया अकाउंट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेगिम 1779 से पहले की बात, किया गया एक लोग, एक आदमी होगा जो कि जिसका नाम है जॉर्ज डैंटन, जो कि एक एंटी रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स था,
जो कि 1793 में फ्रेंड को क्या लेटर लिखा, लुकिंग अपॉन द टाइम व्हेन ही जस्ट कंप्लीटेड स्टडी, मतलब अब उसका एक्सपीरियंस वो बता रहा है अपना, यहाँ पे बताया गया एक्सपीरियंस बता रहा है, ठीक है। अब वो क्या किया, अब वो एडुकेट पूरा मतलब पढ़ चुका था, पढ़ लिया था। अब पढ़ने के बाद वो क्या किया, वो कंपनी कोई भी कंपनी में गया तो उसको कोई भी काम नहीं देता था, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे बताया भी गया एक नोबल, वो जो है क्या किया, नोबल के काम के लिए गया। तो आई वॉज नॉट नोबल बाई बर्थ, मतलब जन्म से वो नोबल नहीं था इसलिए वो नहीं बन सकता, ठीक ना। और चर्च जो भी है, चर्च जो भी उसको है वह काम देने से इनकार कर दिया। तो इससे गुस्सा होकर उस लोगों ने क्या किया, अब एडुकेटेड है तो भाई उसके टैलेंट के अनुसार कोई भी काम होना चाहिए ना। अब जैसा कि अभी के लोगों को टैलेंट जितना रहता है उसके अनुसार उसको काम दिया जाता है, तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में जो नोबल का जो बच्चा वही नोबल बनेगा, ऐसा रूल था, ठीक ना। इसी से वो लोग बहुत ही गुस्से हो गए थे, एंग्री हो गए थे। उस सेकेंड में, ये सेकेंड में भी बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड में एन इंग्लिश मैन आर्थर यंग, जिसका नाम था आर्थर यंग, क्योंकि फ्रांस में ट्रैवल किया 1787 से लेकर 1789, 2 साल, और अपने जर्नी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। और उसने क्या लिखा उसके बारे में उसने उसको बताया इसमें। उसने उस समय जो है ना लोग कैसे गरीब आदमी से लूटते हुए देखा, वो बहुत ही क्या है बोले भाई, इसलिए उसने इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। भाई मेरे को यार देख के ना भाई रोने का मूड कर रहा है भाई, लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। आप लोगों को चैप्टर पढ़ाने आया हूँ, चैप्टर पढ़ा के ही ख़त्म करेंगे। अब कह रहा आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन जो है वह कैसे स्टार्ट हुआ वो हम लोग पढ़ने वाले, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आप लोग हैप्पी हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, क्योंकि हम लोग चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। अब कह रहा है लुई 16 जो था, बट जब इंक्रीज टैक्स किया, टैक्स को इंक्रीज किया। अब जो लोग थे वो प्रीवियस सेक्शन के, वो जानना चाहते थे कि काहे टैक्स बढ़ाया। अब हम लोग भी जानना चाहेंगे कि टैक्स क्यों बढ़ा। अब कुछ हम कुछ तो हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो में, मतलब पिछले हम लोग टॉपिक में बताया भी क्यों टैक्स बढ़ाया गया। अब यहाँ पे बताया गया कैसे कैसे हुआ। अब उसके पास तो पावर नहीं था, वो अकेले तो टैक्स बढ़ा नहीं सकता, तो वो क्या क्या असेंबली को, स्टेट जनरल को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, हम लोग मान चलो हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में हम लोग को लोकसभा, राज्यसभा और एक क्या है बोले असेंबली है ना, वैसे वहाँ पे भी होता था, संगठन होता था, लोग बैठते थे और डिस्कस करते थे कि क्या क्या दिक्कत है, कैसे टैक्स बढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो स्टेट जनरल जो था वो पॉलिटिकल बॉडी था। अब तीनों स्टेट के जो लोग थे वहाँ पे आके बैठते थे, तीनों लोग जो थे वो बैठे, जो कि पिछले बार 1614 में बुलाया गया था असेंबली को। अब कह रहा 5 मई 1789 को फिर लुई 16 जो है वो असेंबली को बुलाया न्यू टैक्स बढ़ाने के लिए। अब पूरा जो था वो हॉल भरा हुआ था। अब फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे ना, अब 300 मेंबर बैठे हुए थे, और जो 600 मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उसको उसके पीछे खड़ा कर दिया गया था, तो बहुत ही बुरा बात है। अब थर्ड स्टेट जो है वह तो थर्ड स्टेट के कुछ प्रोस्पेरस और एडुकेटेड मेंबर ही उसमें आए थे, पीजेंट आर्टिसन वोमेन इस लोगों को तो आना नहीं था। तो उस लोगों ने 40,000 लेटर में अपने जो लिस्ट में अपने जो दिक्कत है उसको लिखा, उसका जो डिमांड था ना वो 40,000 लेटर में उस लोगों ने लिखी। वोटिंग जो था ना इस प्रकार हुआ करता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट के जो लोग थे वह एक एक वोट ही कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेट से एक वोट, सेकेंड स्टेट के एक वोट, थर्ड स्टेट से एक वोट। तो इससे तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेज देते, उसको तो मदद मिलता था, इसलिए तो वो लोग वोट सिर्फ राजा को देते थे, तो यही वोटिंग हुआ। तो अब यहाँ पे और भी कुछ बताया गया, वोटिंग जो था वह ऐसे हुआ करता था। अब जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वह चाहते थे कि वन मैन वन वोट होना चाहिए, जितने आदमी उसके अनुसार वोट होना चाहिए, ठीक ना। अब क्या हुआ, लुई 16 जो है इस प्रैक्टिस को डिनाइड कर दिए, इससे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके बोलो इसको हटा दिए, ठीक ना। यहाँ पे बता दिए कि वन हैव वन वोट।
अब ऐसे ये तो कैसा होता है डेमोक्रेटिक, जो ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, हम लोग डेमोक्रेसी में ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा फिलोसफर कहते थे कि हम लोग को ऐसा ही होना चाहिए, वन आदमी को वन वोट में ही मिलना चाहिए। वो कौन सा बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में उसके बारे में ऐसा लिखा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वेयर वेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है तो रह के क्या करेगा, इसलिए उस लोगों ने बाहर निकल गया। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व एज ए स्पोकमैन ऑन होल फ्रेंच नेशन ऑन 20 जुलाई द असेंबल इन हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सायल। अब थर्ड स्टेट के जो लोग थे वह कुछ बोलते तो उसका तो वैल्यू नहीं था, इसलिए वो लोग बाहर निकल गए। ऑन 20 जुलाई द असेंबल्ड इन हॉल, उसने क्या किया, हॉल में इकट्ठा हो गए, ठीक ना, इन द ग्राउंड ऑफ वर्सायल, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली। वो खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और कसम खा लिया कि वो लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना के ही रहेंगे, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बना के ही रहेंगे और मोनार्क जो कि राजा उसके पावर को कम करके ही रहेंगे। अब उसमें जो थे वो मिराबियो और अब्बेसिएस जो दो लोग थे वो उसका नाम दिया गया। अब मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली से था, लेकिन वो जो है अपने सोसाइटी के लिए फ्यूडल प्रिविलेज को हटाने के लिए वो अपना काम करता था। वो जो है वह एक जर्नल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल। और वही जो है वह वर्साइल में एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दिया पूरे क्राउड को, ठीक ना, स्पीच दिया। अब कह रहा अभी सीएस एक प्रिस्ट था, पुजारी था, और एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसका जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है उसके बारे में लिखा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में कुछ हम लोग को दिखाया भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा अबेसियस, ये रहा ये अबेसियस, ये ना हुआ भाई पृष्ठ था, और ये जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी, एक मेरा व्यू है ये था, और जो लोग जो है वो देख सकते कैसे हल्ला हो रहा है। अब कह रहा व्हाट इज व्हाइल द नेशनल असेंबली इज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीम्ड द टर्मोइल सेवरल विंटर हैड मीट ए बैड हार्वेस्ट। नेशनल असेंबली जब चल रहा था, बिजी था वर्साइल में, तो एक बैड हार्वेस्ट, बहुत ही बुरा चीज़ हो गया। जो जो उसका जो हार्वेस्टिंग था ना फसल काटने वाला समय, उसमें उसका जो हार्वेस्ट था वो ख़राब हो गया। इससे क्या हुआ, जो ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ गया। ऑफन बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, जो बेकर है वह सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और सप्लाई को रोक दिया। आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स ऑन अ लॉन्ग क्विट ए बेकरी क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। अब मान चलो तुमको इतना काम दिया जाता है घर में, घर पे खाना सुबह में उठ के खाना है, पानी लाना है, फिर उसके बाद शॉप से बेकरी लाना है, फिर घर पे ले जाना है, फिर खाना बनाना है, बहुत काम, फिर बाल बच्चों को देखना है, ऐसे बहुत काम। जो लोग थे ना ऐसे गुस्सा रहते तो है, औरत लोग गुस्सा होते ही थे, लेकिन घंटों खड़ा करने के बाद भी जब लोग शॉप में से उसको बेकरी नहीं मिला तो क्या किया, एंग्री वुमेन ने शॉप्स को लूट लिया। उसी समय जो लोग थे वह किंग था, उसने मिलिट्री को क्या किया, ऑर्डर दे दिया जाके जो ड्राइव शोर है, दंगा हो रहा है, उसको रोको। तो अब जो गुस्से से लोग क्या किए, बैस्टिल को उखाड़ दिए 14 जुलाई को। ऐसे डेट देख सकते हैं, ऐसे तो मैं डेट ना एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में, क्योंकि डेट में अगर हम लोग अभी बता देंगे तो कन्फ्यूजन होता रहता है, इसलिए डेट में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अब क्या हुआ, जो एक अफवाह फिर फैल गया, गांव से गांव में फैल गया कि जो लॉर्ड थे माइनर के, वही उसका हाथ है, उसी का हाथ है क्रॉप्स को ख़राब करने में। तो क्या इससे गुस्सा होकर जो लोग थे पिजन जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट से थे, वह क्या किए, अच्छे टैक्स पे अटैक कर दिए हैं, ठीक ना। और क्या किए, जो ग्रेन्स था ना, ग्रेन्स जो कि लोग जो जमींदार सब रखते थे ग्रेन्स अपने घरों में लोगों से ले लेकर, उसको लोगों ने क्या क्या लूट लिया। अब एक तो खाना नहीं था तो क्या करेगा, मरेगा, उससे अच्छा है कि वो लोग डिस्ट्रॉय करके ही मरे, कुछ करके ही मरे। तो क्या किया उस लोगों ने, क्या किया, लूट लिया ग्रेन्स को, लूट लिया। और जो डॉक्यूमेंट जिसमें
उस लोगों ने क्या किया था, अपना साइन करके दे रखा था जो मैंने इसको बेच दिया है, तो वो लोग क्या किया उसको जरा दिया, और क्या किया बहुत सारे जो नूबल्स थे वह घर से भाग गए, कुछ हो तो थे जो वो दूसरे कंट्री में चले गए। अब ऐसे पावर को देखते हुए लुई 16 जो है वह नेशनल असेंबली की बात को मानने के लिए तैयार हो गया, और उसके पावर को कम करने के लिए वह रेडी हो गया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली जो है वह फ्यूडरल सिस्टम को हटाने के लिए और टैक्स को हटाने के लिए काम करने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स को भी हटा दिया गया, टैक्स जो लिया करता था तो उसको हटा दिया। मेंबर ऑफ क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, और फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को जो प्रिविलेज दिया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया। चर्च को भी हटा दिया गया, ऐसे टैक्स लेने से मना कर दिया गया। तो ऐसा ही अब रिजल्ट में ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वह 2 बिलियन लीवर्स का उसको लॉस हुआ, 2 बिलियन सॉरी वर्थ, मतलब उसको 2 बिलियन लीवर्स का उसको प्रॉफिट हुआ गवर्नमेंट को, सोच सकते हो इतना लूटा था उस लोगों ने। अब चटाक्स यहाँ पे देख सकते हैं, चटाक्स का मतलब कैस्टल और स्टेटलिटी बिलोंग टू किंग और नोबल मैन, मतलब ऐसे जो लोग थे, ऐसे कास्ट और जो लोग जो कि किंग के या नोबल मैन के से उससे रिलेटेड बिलोंग करते तो उसको चिटैक्स करते। ठीक है, माइनर करने का मतलब यहाँ पे ब्लैक किया हुआ था, स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंसन। लॉर्ड्स लैंड मतलब कहने का मतलब जो लॉर्ड के पास जो जमीन था उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे करा फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस जो बन गया वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, लेकिन राजा तो चलेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1791 में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन जो था वह पावर, मोनार्क के पावर को कम करने का था। अब जो राजा का जो पावर था सिर्फ उसी के हाथ में नहीं था, ठीक ना, वो बिखर के वह तीन तीन भागों में बट गया। एक लेजिस्लेटिव के पास लेजिस्लेचर के पास चला गया, एक एग्जीक्यूटिव के पास, एक जुडिशियरी के पास। एक विधायिका जो कानून बनाता है, एक कार्यपालिका जो उस पर काम करता है, एक जुडिशियरी जो देख रेख करता है, मान चल कोई गलत काम करता है या कोई अच्छा काम कर रहा ना देख रेख करता है। अब इससे क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया फ्रांस में। अब फिगर 7 जो है एक्सप्लेन करेगा हाउ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है वो बताया गया। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में बात कर गया। तो यहाँ पे वोट कौन देता है, एक्टिव सिटीजन जो सिटीजन है वो देते हैं जुडिशियरी को। ठीक ना, अब क्या वोट देते हैं, अब इलेक्टर को। अब इलेक्टर कौन होते हैं, जैसा कि रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, हम उसको वोट देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्ट वोट देते हैं लेजिस्लेचर को, और अब जो सिटीजन हो गए वो इनडायरेक्टली किसको चुन रहा है, लेजिस्लेचर के मेंबर को चुन रहा है, नेशनल असेंबली के मेंबर को चुन रहा है। ठीक ना, तो और वो जो लोग हैं नेशनल असेंबली के लोग, वो किंग को अपना कार्य जो कार्य होता है वो अपना करता है, और किंग के पास ऐसा वीटो पावर है कि मान चलो कोई कोई लॉ पास हुआ तो उसको वो है वो ख़त्म कर सकता है, ऐसा उसके पास पावर था। अब कह रहा एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन, तो हम लोग जानते हैं। अब 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन जो था वोट कर सकता था 28 मिलियन में से, वोमेन के पास कोई वोट नहीं था, देने का अधिकार नहीं था, और जो 25 साल के से नीचे था उसको भी कोई वोट का अधिकार नहीं था, समझ सकते हैं। जो नेशनल असेंबली जो था वह इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था लोगों के द्वारा, अब वो सिटीजन ही तो जो था वो वोट करता था और अपने ग्रुप ऑफ इलेक्टर को चुनता था, और जो कि असेंबली को चूज करता था, जो कि सभी मेंबर नहीं कर सकते हैं। और जो राइट टू वोट एक्टिव सिटीजन को ही दिया गया, जो कि 25 साल से ऊपर के होते थे, और जो कि टैक्स पे करते थे, 3 दिन का टैक्स एक दिन में पे करते थे वो उसके बारे में। ठीक ना, लेबर्स वेज का 3 दिन का टैक्स पे करते थे। ठीक ना, उसको एक्टिव सिटीजन बनाया जाता, उसको ही वोट देने का अधिकार था। जो शेष बच गया उसको पैसिव सिटीजन बना दिया जाता था। ठीक ना, और जो मेंबर हुआ करते थे असेंबली का, वो उसको ना टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, वही मेंबर बन सकते थे असेंबली का। ठीक ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिगिंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो
तो उसके अनुसार जो था हम लोग को राइट दिया गया, कुछ राइट भी दिए गए, राइट्स मैन को राइट दिया गया, वही बात किया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसे तो हम लोग अभी हम लोग एक्सप्लेन फिगर का एक्सप्लेन नहीं कि आगे पढ़ना भी हम लोग को। ये फ्रांस हो गया, फ्रांस को शो करता है, फ्रांस के कलर को शो करता है, नेशनल कलर को, और ये है वो लॉ को, इक्वालिटी ऑफ लॉ को शो करता है, ठीक है। अब क्या राइट्स दिए गए लोगों को वह हम लोग वो देखते हैं। अब मेंस आर बॉर्न एंड रिमेंस फ्री इक्वल एंड इन राइट, जो लोग है वह फ्री बॉर्न करेंगे और सभी राइट्स को इक्वली पाएंगे। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर एंड ऑफ राइट दिस लिबर्टी प्रॉपर्टी, उसको लिबर्टी दिया जाएगा, उसको अपोजिशन के अधिकार, जो कोई भी उसके साथ अगर कोई भी बुरा काम करेगा तो वो उसकी उसको बोल सकेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार दिया गया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सोचने का अधिकार दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के लॉ जो है सबके लिए इक्वल होगा, वो इसका अधिकार दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ देख सकते हैं। यहाँ पे सोर्स भी रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल जो मैरेट थे, न्यूज़पेपर में लैमी ड्यू पीपल मतलब फ्रेंड ऑफ पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली जो थी ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन, जब इसको अपना अधिकार दिया कि आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी, तो उसके बाद ये एक फ्रेंड ऑफ द पीपल के बारे में लिखना स्टार्ट कर दी, उसमें बताया गया बहुत अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में 12 देख सकते हैं, 17 प्रॉपर्टी दिए गए, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। अब कह रहा रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, अब मान चलो जो लोग थे वो उसको पता नहीं था कि क्या, अब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं अब उसको थोड़ी ना पता चलेगा कैसे, अब कहोगे तुम को पेन देंगे तो अब जो पढ़े लिखे रहेंगे तो PEN लिखेंगे, जो पढ़े लिखे रहेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो अब उसका सिंबल बना दिया जाता था, ठीक है। हम लोग सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्रोकन चेन, यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकन चेन के बारे में बताया गया है, जो लोग थे ना लोगों को जो स्लेव हुआ करते थे, जो स्लेव नौकर हुआ करते थे उसको चेन में बांध करके रख दिया था, तो ये जो ब्रोकन चेन का आने का मतलब है ये बताना चाहते हैं कि वो लोग जो है वह फ्री हो गए हैं, ठीक ना। अब बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेज यहाँ पे बताया गया है, अब यहाँ पे कहने का मतलब एक रोड जो है आसानी से टूट सकता है लेकिन जो पूरा बंडल है एक ही साथ हम तोड़ना चाहे तो नहीं टूट सकता, वह यूनिटी को इसको दर्शाने के लिए इसको सिंबल को दिखाया गया है। वह आई विद इन द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, अब जो आई जो है वह नॉलेज को दिखाता है, जो सन का जो रे है ना वह निकल के क्या कहता है क्लाउड को इग्नोर करता है ना, वही बात यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं स्केप्टर का यूज किया गया जो कि रॉयल पावर को दिखाता था, इसको भी दिखाया जाता था। अब स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, अब यहाँ पे ये इटर्निटी को दर्शाता है कि जो रिंग जो है वह न कभी ख़त्म होगा और न ही कभी नहीं स्टार्ट होगा, ठीक ना। यहाँ पे रेड फिजिशियन कैप को दिखाया, कैप वर्न माई स्लेव अपॉन बिकमिंग, जब जो लोग थे जो स्लेव थे जो वो जब इस रेड कैप को पहनते थे इसका मतलब है वो फ्री हो चुके हैं, फ्री होने पे वो लोग पहनते थे। अब ब्लू वाइट रेड यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू वाइट रेड जो कि नेशनल कलर है फ्रांस का, ठीक ना। अब यहाँ पे एक विंग्ड ओमेन है जो कि लॉ को दिखाता है, अब द लॉ टैबलेट, अब ये लॉ टैबलेट क्या है, जो ये बताना चाहता है कि जो लॉ है सभी के लिए एक है और इसके जो आगे है जो सब कुछ इक्वल हो रहता है, जितने भी लॉ बनेंगे सब के लिए इक्वल रहेगा। अब बात करते हैं फ्रांस एबोलिशन मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, फ्रांस जो है वह क्या हुआ मोनार्की को एबोलिश किया और रिपब्लिक बन गया, ठीक है ना। अब ऐसा पता चलने लगा कि लुई 16 जो है वह धीरे धीरे सीक्रेट बात करने लगा किंग ऑफ रसिया से, जो नबरिंग कंट्री था वो भी चिंतित था फ्रांस से, जैसे जैसे फ्रांस में
जो हो रहे थे काम, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जो इससे होने, ये सीक्रेट बात जो चल रही थी, उस युद्ध होने से पहले जो नेशनल असेंबली जो है अप्रैल 1792 में वोट किया गया, और वॉर का प्रशिया से वॉर, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया से वॉर का डिक्लेयर कर दिया गया। 1000 ऑफ वॉलंटियर्स वह वहाँ से आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए, देश वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग, और वो लोग देखने के लिए आए कि कैसे जो लोग और लोगों के बीच में और किंग के बीच में कैसे युद्ध होता है, ठीक ना। अब पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है वो निकलने लगा, जो कि मार्सलेज है, जो कि पोएट रॉबर्ट डे लाइसे लाइसले के द्वारा लिखा गया था। यह जो है फर्स्ट टाइम वॉलंटियर के द्वारा गाया गया था, फ्रॉम मार्सलेज एज दे मार्च इनटू पेरिस। जब वो पेरिस में मार्च किए थे, सो गॉट इन द इट्स नेम द मार्सलेज नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, जो कि अभी नेशनल एंथम बन चुका है मार्सलेज। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं इसको बंद भी कर देता हूँ। अब रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस, अब बहुत सारा रिवोल्यूशनरी वॉर हुआ, उससे बहुत सारा लॉस हुआ। अब जब पीपुल वाइन द पीपुल मैन फाइटिंग करने गए थे, जो लोगों को अपने जो औरत थी उसको छोड़ के गए थे, और जो ओमेन थी वह अपने फैमिली को देखने में लग गए थे, जो बहुत सारे पॉपुलेशन जो थे वह रिवोल्यूशन करने चले गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन 1791, उस समय क्या वो पॉलिटिकल राइट दिया गया, ये पॉलिटिकल राइट ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन 1979 जो बना, उसमें क्या किया गया, सिर्फ जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको ही पॉलिटिकल राइट दिया गया। पॉलिटिकल क्लब जो था वह इम्पोर्टेंट रैली बन गया था, जो कि डिस्कस किया जाता था गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, ठीक ना। पॉलिटिकल क्लब में यूँ होता था, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रहा है उसके बारे में डिस्कस किया जाता था, और एक वो अपना एक्शन भी लिया जाता था। तो उसमें जो मोस्ट सक्सेसफुल इस क्लब में था वह था जैकोबिन क्लब, जो कि विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ संत जॉब्स इन पेरिस, जो कि कॉन्वेंट से लिया गया था, संत जॉब्स जो कि पेरिस में है उससे लिया गया था। कॉन्वेंट करने का मतलब कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ से लिया गया था। ओमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, अब ओमेन जो थी यहाँ पर देख सकते हैं उस पीरियड में एक्टिव थी, वो भी इसको ज्वाइन कर ली, फॉर्म दियर ऑन क्लब और अपना खुद का क्लब स्टार्ट की। अब सेक्शन 4 जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे एक्टिविटी कैसे कैसे हुई, तो आप लोग अच्छे से देख लेना, मैं बताने जा रहा हूँ। मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब जो है वह कम लेस प्रोस्पेरस हुआ करती थी, ठीक ना, लेस प्रोस्पेरस, ज़्यादा धनी भी नहीं हुआ करते थे। अब दिस एक्सक्लूड स्मॉल शॉपकीपर, कुछ शॉपकीपर के थे, आर्टिस्ट थे, शॉप मेकर, पेस्ट्री कुकर थे, वॉच मेकर थे, घड़ी बनाने वाला, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट, डेली वेज वर्कर। लीडर जो था उसका वह मैक्सिमिलियन रोबस्पियर था। एक बड़ा लार्ज ग्रुप बना जैकोबिन का, और वो लोग क्या किए, स्टार्ट किए एक लॉन्ग वी स्ट्रिप ट्राउज़र पहनने का, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे शो भी किया गया है, यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे शो भी किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धागा जैसा बना दिया गया है, एक लॉन्ग स्ट्रिप, यहाँ पे देख सकते हैं जो औरत है और जो मेन है वो भी पहन रहा है, और ट्राउज़र पहना जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा, जो बुनने वाले उसके द्वारा बनाया जाता था। दिस वॉज देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से जो कि अलग था, ठीक ना। जो लोनोबल थे वह नी ब्रीचेज पहनते थे। नी ब्रीचेज क्या होता था, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर से पेंट एक जूता का ही साइज का था, आप तो देख सकते हैं नी ब्रीचेज, आप लोग सर्च मारेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा, ऐसे लोग पहनते थे, ठीक ना। तो वो लोग इससे अलग हट के पहनना चाहते थे जैकोबिन क्लब के समय में। और यहाँ पे फिगर बनाया बताया गया है। अब नैनी वर्सायल एक वन ऑफ द रियर पेंटिंग है वो वोमेन आर्टिस्ट का, जो रिवोल्यूशनरी इवेंट जो था वह पॉसिबल कर दिया कि वोमेन को ट्रेन कर सकता है, एस्टेब्लिश्ड पेंटर बना के, एंड
वो वर्क कर सकता है सैलून में, जो कि एग्जिबिट था नहीं करने के लिए दिया था एबिटवेयर। अब कह रहा है, पेंटिंग इज फीमेल एलेगरी ऑफ लिबर्टी दैट इज फीमेल फॉर्म सिम्बोलिज द आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ फ्रीडम को दर्शाता है, ठीक ना। अब कह रहा है, वाज ए वे ऑफ प्रोक्लेम्ड इन ऑफ पावर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन जो है प्लान करती है द इंसरेक्शन ऑफ, उस दिन क्या होता है जैकोबिन जो है वह ला इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन, जो कि गुस्सा है रॉयल फैमिली से, वो है क्या किया, और जो गुस्सा है हाई प्राइस ऑफ फूड के कारण वो लोग क्या करते हैं, वो 10 अगस्त को वह ट्विलरीज पैलेस में जाके वो जो है वह राजा और रानी को कैद कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसके जो गार्ड होते हैं उसको मार देते हैं और बहुत घंटों तक उसको कैद में रखते हैं, ठीक ना। लेटर द असेंबली वोट क्या करते हैं, इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली को बंदी बना दिया जाता है। उसके बाद इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में क्या होता है, 21 साल से जितने भी ऊपर के लोग होते हैं सिर्फ मेन वो वोट दे सकते थे, ठीक ना। अब द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली था उसको कन्वेंशन कहने लगा। 21 सितंबर 1792 को इट एब्लिश द मोनार्की, मोनार्की को अपना लिया गया, मतलब मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया, डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक, और रिपब्लिक बनाया गया। रिपब्लिक करने का मतलब है रिपब्लिक ऐसा कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पीपुल जो है इलेक्ट करे गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट को चूज करे, ठीक है। नो हेरिडिटरी मोनार्की, मतलब हेरिडिटरी कहने का मतलब है, मान चलो कोई आदमी है उसका बेटा बना, फिर वो उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा बना, ऐसे हेरिडिटरी मोनार्की हो गया, ठीक ना, राजा बन रहा है तो ऐसे को हेरिडिटरी कहते हैं। मोनार्की कहने का मतलब राजा, इसका बेटा राजा बना, फिर इसका बेटा राजा बना, फिर इसका बेटा राजा बना, ऐसा नहीं होना चाहिए रिपब्लिक में। लुई XVI जो है वह सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट, उसको कोर्ट से आदेश दे दिया गया मार देने का। यहाँ पर ट्रीजन देख सकते हैं, बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट। अब क्या कर, सम अदर कंट्री डेट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट वेन एंड हाउ दे बिकम सो। यहाँ पे देख सकते हैं, 21 जनवरी 1793 को उसको एक्सक्यूट कर दिया जाता है पब्लिक पब्लिक जगह पे, प्लेस का नाम दे रखा है डेला कॉनकॉर्डे, यहाँ पे दे रखा है। क्वीन मैरी एंटोनिएट मेट विथ द सेम, और उसके साथ भी जो क्वीन थी उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं रीजन ऑफ टेरर के बारे में। अब रीजन ऑफ टेरर मतलब आतंक का युग। अब कह रहा है, 1793 से लेकर 94 तक ले ऐसे ईयर को, इस ईयर में रीजन ऑफ टेरर इस पीरियड को कहा गया। जो रोबस्पियर जो था ना, वो एक ऐसे ऐसे पॉलिसी को और कंट्रोल को फॉलो करता था और पनिशमेंट को फॉलो करता था ऐसे ऐसे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट। मेंस हु डिड नॉट एग्री विथ, जो लोग थे उसके मीटर से एग्री नहीं हुआ करते थे उसको अरेस्ट कर दिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, और एक रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल की तरह बिहेव किया जाता था। अगर कोर्ट जो है उसको गिल्टी मान दिया जाता था तो उसको गुलेटिन कर दिया जाता था। गुलेटिन कहने का मतलब एक ऐसा मारने वाला, एक कह सकते हैं एक ऐसा लकड़ी का रहता था उसके नीचे एक काटने वाला रहता है जिसको हम लोग कह सकते हैं काटने वाला, उसके बाद इसको लेटा दिया जाता था और इसको इसको गिरा दिया जाता था तो उस सिर कट जाता था तो मर जाता था, ठीक ना। तो उस जो भी पकड़ा जाता था गिल्टी दोषी तो उसको मार दिया जाता था, ग्लोटीन कर दिया जाता था। ग्लोटीन एक ऐसा डिवाइस है जिसके टू पोल्स हुआ करते थे, एक ब्लेड और जिसमें पर्सन को बैठा के उसका सरकलन करा दिया जाता था। ये इसका नाम डॉक्टर ग्लेटिन के द्वारा रखा गया, जो कि इसको इन्वेंट किया था। अब रोबस्पियर का जो गवर्नमेंट था वह सूड लॉ एंड प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेज एंड प्राइसेस। अब जो रोबस्पियर का जो गवर्नमेंट था ना, वह लॉ ऐसा लॉ बनाया था कि जो हम लोग जो कोई काम करते हैं और जो हम लोग सेल करने जाते हैं तो उसका जो रेट जो था ना वह फिक्स कर दिया था। ये कुछ अच्छा भी था, ठीक ना, ये सिस्टम कुछ अच्छा भी था। और मीट और ब्रेड को जो है वह राशन, मतलब राशन करने का मतलब कम प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिया था।
कि हम लोग बताएं कि पिजन्स को बता दिया, फोर्स किया जाता था कि अपना ग्रेन्स जो है और सिटीज़ में सेल करें, तो जो गवर्नमेंट का रेट फिक्स किया गया उस पर सेल करें। तो यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, और जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और सबको इक्वलिटी ब्रेड खाना होना खाना पड़ता था, ठीक ना। क्वालिटी जो था ना, वो बोलने में भी, फ्रीडम स्पीच में भी होना चाहिए था। उसने क्या किया कि जो सर और मैडम बोला करते थे, उसके अलावा सिटीजन फ्रेंड कहने का आदेश दे दिया गया था। मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अब क्या हुआ, उसका उसने कुछ गलत काम भी किया था, जैसा कि उसने किया कि ये किया था कि उसने क्या किया था, जो चर्च का जो बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया था, ऑफिसेज उस पर खोल दिया गया था। तो ऐसे जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वैसे गुस्सा हो गए थे, ऐसे कुछ गलत भी किया था। तो कोई स्टार्ट होता है तो उसका ख़त्म भी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सॉट टू मोबिलाइज द लॉयलिटी सब्जेक्टेड थ्रू वेरियस मीन्स, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे एक जगह इकट्ठा हुए हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टली रूल फ्रांस, ठीक ना। और जब गलत काम करता है तो पकड़ाता भी है, तो फाइनली जो है वह कोर्ट के जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट कर दिया जाता था, और उसके अगले ही दिन उसको गिलेटिन कर दिया था, मतलब उसको मार दिया जाता था। ये व्हाट इज़ लिबर्टी जो दिया गया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया गया। अब डायरेक्टली रूल फ्रांस बढ़ेंगे। अब जब जैकोबिन का जो गवर्नमेंट था वह ख़त्म हो गया, तो जो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, जो कि उसमें अच्छे पैसे कमाते थे, वो उस पावर को सीज करने लगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फिर से बनना स्टार्ट हो गया, जो कि अब जो 21 साल को नेशनल असेंबली जो था, असेंबली जो था, जो कि अलाउ किया था 25 साल से ऊपर का, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जिसके पास प्रॉपर्टी है वही सिर्फ वोट कर सकता था, ऐसा एक रूल बनाया गया। अब ऐसा ये मतलब था, अब पावर जो था वह एक ही के अंडर काम करता, तो वन मैन एक्सिक्यूट एज अंडर जैकोबिन। जैकोबिन के समय एक ही आदमी के पास वोट था, ये भी बहुत गलत था, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास ही सिर्फ वोट था, इसलिए उसने बहुत गलत किया, जो मन करता था वैसा करता था, ये गलत था। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण, अब मिलिट्री जो होने के कारण, जो मिलिट्री का जो डिक्टेटर था नेपोलियन बोनापार्ट, इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने क्या किया, जो राजा का जो गद्दी है उस पर जाके बैठ गया, मतलब और सेना की मदद से उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो इस सभी चेंज से, जो गवर्नमेंट के चेंज से, जो फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी जो था, और जो लॉ से पहले इक्वलिटी जो देखा जाता था वो ख़त्म हो गया, जो लिबर्टी जैसे, जो फैटर्निटी जो आइडिया थे, और जो मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट था फ्रांस में, वह सब थम गया। तो अब नीचे देखते हैं, आपको बताया गया डिड ओमेन हैव ए रिवोल्यूशन। पहले हम लोग रिवोल्यूशन, ओमेन जो रिवोल्यूशन करे उसका पहले हम लोग ओमेन का सोसाइटी में क्या कंडीशन था वो हम लोग पहले जान लेते हैं। अब ओमेन जो थी वह एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, हम लोग पढ़े हैं जैकोबिन के टाइम में। अब बहुत सारे चेंज में उन लोगों ने मदद किया, फ्रेंच सोसाइटी में मदद किया। मोस्ट ओमेन जो थी थर्ड एस्टेट के, वह जैसा कि हम लोग जानते थे सी मिस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, मतलब सीने का काम करती थी, और लॉन्ड्रेसेस मतलब धोने का काम करती थी, फ्लावर बेचा करती थी, फ्रूट्स बेचा करती थी, और बहुत बहुत काम करती थी। वेजिटेबल मार्केट में ले जाके बेचती थी, और काम करती थी डोमेस्टिक सर्वेंट, जिसके पास पैसा होता था उसके घर में जाके काम करती थी, ठीक है। अब ओनली डॉटर ऑफ नोबल्स, जो नोबल्स के जो डॉटर थे, और जो थर्ड स्टेट के जो कुछ अमीर आदमी हैं उसी के जो डॉटर थे वो लोग पढ़ पाते थे एक कॉन्वेंट स्कूल में, और उसके बाद क्या होता था, जो उसको जब पढ़ा दिया लिखा जाता था तो उसको शादी करने के लिए अरेंज भी कर दिया जाता था। अब वर्किंग वूमेन जो थी, अपने फैमिली का केयर करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, अब अपने जो चिल्ड्रेन है उसको उसको देख रेख करना पड़ता था, उसको सेल, जैसे कि हम लोग जान सकते हैं, आप पढ़े भी हैं कि उसको डोमेस्टिक सर्वेंट बनना पड़ता था, कुछ को तो फ्लावर्स बेचना पड़ता था, फ्रूट बेचना पड़ता था, वेजिटेबल बेचना पड़ता था, बहुत ही परेशान हो गया था। अब जब ब्रेड का रेट भरा, घंटों घंटों लोग जो जब
घंटे घंटे लोग, औरत जो थी वो वेट करती थी ब्रेड के लिए, तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो उस लोग तो वो लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट भी कर किया करते थे और शॉप को लूट भी लिया करते, जैसे कि हम लोग पीछे पड़े हैं, ठीक ना। तो लेकिन ऐसा होने के बाद भी उसका जो वेज था ना, इतना काम करने के बाद भी उसका जो वेज था वह मेन के मुकाबले कम ही था। ये सब होने के दौरान अब क्या रिवॉल्यूशन हुआ है, हम लोग तो पहले कंडीशन कैसा था, ठीक ना। अब रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, अब ओमेन के द्वारा रिवॉल्यूशन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं कि सबको वोट दिया गया, सबका अधिकार दिया गया, लेकिन जो औरत था उसको अधिकार नहीं दिया गया। तो वो लोग क्या किए, ओमेन जो स्टार्टेड अपना ऑन पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट कर दिया गया और न्यूज़पेपर अपना खुद का बनाना स्टार्ट कर दिया। 60 ओमेन क्लब जो आया डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन और रिपब्लिकन ओमेन जो थी वह फेमस होने लगी। उसका एक ही डिमांड था और बहुत सारे डिमांड हुए, लेकिन उसका एक ये डिमांड था कि ओमन जो है वह सेम पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब जो पॉलिटिक्स में जो मान चलो कोई, अब हम असेंबली में गए तो सिर्फ मेन उस समय हुआ करता था। तो एक ये भी डिमांड था कि उसको भी है जो पॉलिटिकल सिस्टम में ज्वाइन किया जाए, उसको भी ओमेन को भी अधिकार देना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में आने के लिए, ठीक ना। ये सब रिवॉल्यूशन रिवॉल्ट करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब हम लोग वो पढ़ते हैं। अब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है ना, वह एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया। अब उसके ओमेन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्रिएशन हो, उसके बाद क्या हुआ, जो स्टेट जो है ना, जो नेशनल असेंबली है, उसको क्या किया, वह कंपलसरी कर दिया गया कि सभी जो गर्ल्स है वह पढ़ सकेगा स्कूल में। और एक और इम्पैक्ट पड़ा कि जो फादर है वह फोर्स नहीं कर सकते हैं अपनी सन या अपनी जो गर्ल्स है उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप उससे विवाह करो ही तो करो, तुम उससे विवाह करना ही है। हम जो अभी बता रहे हैं ना, उसको कॉपी में जरूर से जरूर लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा रिवोल्यूशन के बाद औरत के ऊपर। तो मैरिज जो था वह सोशल कंटैक्ट होने के बाद ही हो सकता था फ्रीली। अब मैरिज करना चाहे तभी आप मैरिज कर सकते, कोई फोर्स नहीं था, जो कि ये रजिस्टर कर दिया गया लॉ में, ठीक ना। अब कह रहा डिवोर्स वार मेड लीगल, अब लीगल उसको कर दिया गया और दोनों ओमेन और मेन डिवोर्स दे सकते हैं, ऐसा बना दिया गया। ओमेन कुड नाउ जो जॉब्स जो ओमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, जॉब्स करना उसके लिए अब कंपलसरी कर दिया गया। अब वो आर्टिस्ट बन सकती है और कोई भी स्मॉल बिजनेस चालू कर सकती हैं। अब हम लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन जान लेते हैं, पथ में बताया नहीं, जब रीजन ऑफ टेरर के समय जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने क्या किया, जो वुमेन्स का जो क्लब था उसको बंद कर दिया गया और उसके जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसको भी बैन कर दिया गया था। बहुत सारे जो वुमेन थे वे उसको अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को ऐसे भी होते थे उसको जो है वो एक्सिक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था, किसके रीजन ऑफ टेरर के समय, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अब एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का बहिष्कार किया, उसके बाद आप लोग फिगर में देख सकते हैं एक कैसे लाइन लगाना पड़ता था बेकरी के लिए। हम लोग डिस्कस करने वाले एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में। अब मोस्ट जो रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन के द्वारा, जैकोबिन के समय के द्वारा, वो था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रेंच कॉलोनी में जो स्लेवरी का जो बहिष्कार था बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि स्लेव को जो नौकर थे उसको बेच दिया जाता था दूसरे स्टेट में। अब हम लोग देखते कैसे, जो कैरिबियन कॉलोनीज था उसमें मार्टिन क्यू और गैंडेलूप एंड सैन डोमिंगो जैसे जो लोग थे वह इम्पोर्टेंट सप्लायर थे कम्युनिटी में, सोच सकते हो। वो क्या करते थे, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी सबको सप्लाई करते थे। उसके साथ साथ वो लोग क्या करते थे, जिसके पास लैंड नहीं आता था और जो कि शॉर्टेज ऑफ लेबर होने के कारण मतलब उसके पास मान चलो पैसा नहीं है, तो उसको क्या करता था, उसको बेच, उसको घर से वो ले आके दूसरे जगह पे जाके बेच दिया करता था, प्लांटेशन के वर्क के लिए उसको बेच दिया करता था। वह एक ट्रायंगुलर स्लेव बन गया था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में, बेचने का काम बहुत चलने लगा, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जो स्लेव का ट्रेड होने लगा ना वह 17 सेंचुरी में हुआ था, 17 सेंचुरी में, जो कि पोर्ट है एक बोर्डेक्स और नैंटिस,
यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर सैन एंड्रियास जो कि अफ्रीकन कोस्ट पे है, वहाँ से बहुत ज़्यादा सेल होने लगा लोकल चीफ्टन से, और स्लेव को जो है वो पैक्ट कर दिया जाता था शिप में 2-3 से 3 मंथ के लिए अटलांटिक में, और उसके बाद उसको प्लांटेशन ओनर के यहाँ बेच दिया करता था 3 महीने। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव जो है वह मेड पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट ऑफ शुगर कॉफ़ी एंड इंडियो। स्लेव का जो डिमांड था ना वो इतना बढ़ गया कि जैसे हम लोग शुगर का, कॉफ़ी का, इंडिगो का डिमांड करते हैं, वैसे ही उसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था। पोर्ट सिटीज लाइक जो बॉर्डेक्स था और नैंटेस था, वो लोग ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गए थे, स्लेव ट्रेड करके बहुत ज़्यादा रुपया कमा लिए थे। उस अगर चाहता तो नेशनल असेंबली भी स्लेवरी को बंद करवा सकता था, लेकिन वो बंद इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जो बड़े बड़े लोग इस पर काम करते वो इसको ही नीचे दबा सकते थे नेशनल असेंबली को ही, इसलिए उन लोगों ने स्लेव को जो स्लेवरी सिस्टम था उस एबोलिशन ऑफ स्लेव को नहीं रोका, ठीक ना। बट लेकिन 1794 में क्या क्या लेजिस्लेचर जो एक लॉ पास किया कि और जो स्लेव जो है वह फ्रेंच के वह फ्री हो गए हैं, सब फ्री हो गए हैं, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ जब नेपोलियन बिना पार्टे आया तो उसने क्या क्या स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस करा दिया, सोच सकते हो इतने बड़े बड़े लोग इस पे काम कर रहे हैं। टाइम भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1848 में फ्रेंच कॉलोनी में फिर से रीइंट्रोड्यूस हो गया था। 1848 में पूरा अच्छी तरह से स्लेव को ख़त्म कर दिया गया था। हम लोग डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो देखना। करा वन इम्पॉर्टेंट लॉ जो था वो ये स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल के बाद कि जो हम लोग जो 1789 में समर के 1789 में जो हम लोग जो सेंसरशिप पॉपुलेशन किए थे, और 1789 से पहले तो जितने भी मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटी लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, कुछ भी हम लोग जो पब्लिश करते थे ना, और कोई भी चीज़ हम पब्लिश करना चाहते तो उसके लिए हम लोग को अप्रूव्ड होना चाहिए किंग के सेंसर से, अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ आप लोग पब्लिश कर सकते हो। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड लेक्चर फ्लडेड द टाउन इन फ्रांस, बहुत ही बाढ़ की तरह उससे, क्योंकि बाढ़ की तरह न्यूज़ फैलता था, इसलिए वो लोग जो है वो चेक करते थे कि कहीं राजा के बारे में या किसी राजा के गलत कदमों के बारे में तो नहीं लिखा गया है, ये सब के बारे में बताया करते थे। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का दे दिया गया था, राइट दे दिया गया था, तो उसके बाद जो न्यूज़पेपर पॉपुलर प्रिंटेड प्लॉट्स फ्लडेड द टाउन फ्रांस वेयर दे ट्रैवल रेपुटेशन, मतलब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया था, फ्रीडम ये राइट दे दिया गया था, उसके बाद जो न्यूज़ जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगा। वो लोग डिस्क्राइब पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करते थे कोई भी इवेंट को, कोई भी चीज़ होता था, कोई भी चेंज होता था तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब करके लिखते थे। फ्रीडम ऑफ राइट का, फ्रीडम का यही मतलब है कि हम लोग जो है वह कोई भी चीज़ को हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते, कोई भी अगर गलत काम करता है, कोई भी अपोजिटिव मतलब गलत व्यू देता है तो हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। तो जो प्रेस वाले हैं वो बहुत, अब हम लोग देखेंगे कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। कंक्लूजन क्या क्या था वो हम पढ़ेंगे। अब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह क्या चीज़ के कारण आया, कमेंट में जरूर लिखना, मैं अब सवाल पूछने वाला हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आया, कैसे आया वो मैंने पीछे बता रखा है, नोट कमेंट में ज़रूर लिखना। उसने क्या किया, वो अपना फ्रांस का एम्परर घोषित कर लिया, और उसने क्या किया, नेपोलियन अपना रोल जो है वह उसने क्या किया, वो मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के बारे में सोचा। उसने क्या किया, वो लोग जो थे वो एम्परर बनने के बाद वो अपने आस पास के नेबरिंग कंट्री था उसको लूटने लगा, उसको मतलब लूटना नहीं मतलब उस पर कब्जा करने लगा, और जो उसके फैमिली के जो मेंबर थे ना उसको बैठाने लगा, ठीक ना। बहुत सारे कानून भी निकाले, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि डेसिमल सिस्टम 1 kg को हम लोग एक ही सिस्टम से देखें।
बहुत सारे लोग तो उसको गॉड की तरह मानने लगे। और उसने नेपोलियन बोनापार्टी को सोचा कि ये हमें फ्रीडम जरूर दिलाएगा, बहुत तो क्या ही बोले। लेकिन अंततः वो क्या वाटरलू में 1815 में हार गए, ठीक ना। और हम लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हम लोग को आइडिया ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न, यहाँ पे देख सकते आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू पार्ट ऑफ यूरोप हैड इम्पैक्ट ऑन पीपल टू आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। जब नेपोलियन ख़त्म हो गया तो उससे लिबर्टी जैसे वर्ड, इक्वलिटी जैसे वर्ड हम लोगों ने जैसे पीछे पड़े, ऐसा वर्ड से हम लोगों को आइडिया आया। लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रांस रिवॉल्यूशन। देख सकते हैं जो फ्रांस जब स्प्रेड हुआ तो फ्यूडल सिस्टम आ गया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ठीक ना। उससे ही जो टीपू सुल्तान, यहाँ पे दिया हुआ है टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय, जैसे दो एग्जांपल दिए गए हैं जो कि इसके जो रिवॉल्यूशन हो के जो चेंज आया उससे जो सीख लिया, इक्वलिटी और लिबर्टी जैसे वर्ड जो सीखा उसने इस पे काम किया। और बहुत सारे जगह पे दोनों ने बहुत जगह पे जाके इसको बात को बताया, फैलाया। इंडिया में भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी और इक्वलिटी जैसे वर्ड यूज किया गया है। तो हमको लगता है हो चुका है ख़त्म। यहाँ पे कुछ बताया गया है बॉक्स टू में, राजा राममोहन राय जो कि बहुत ही इंस्पायर्ड इस न्यूज़ से हुए थे उस समय, जो इस ये जो फैला था उस समय, ये लिबर्टी और इक्वलिटी, ठीक ना। जुलाई का रिवॉल्यूशन हुआ था उसके उसके इमेजिनेशन को एक्साइट कर दिया गया था। जब उसने 1830 में इस रिवॉल्यूशन के बारे में जाना तो उसे बहुत एक्साइट हुआ था इसके बारे में जानने के लिए, ठीक ना। तो हमको लगता है कि चैप्टर हो चुका है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हम लोग का अगला आने वाला वीडियो आप पे उसका नोटिफिकेशन जा सकें। और फ्रेंड्स, शेयर करें, करना ना भूलें। शेयर करेंगे तो और जो फ्रेंड्स है उसको भी अपना हेल्प मिल जाएगा, तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स, बाय।